रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL में जीता पहला टाइटल, दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया, श्रेयंका पाटिल ने झटकी 4 विकेट। तो क्या है फाइनल मैच की पूरे हाइलाइट्स दोस्तों जानने के लिए बने रेडियो मंथ तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग 2024 में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। टीम ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हरा दिया है। ये बेंगलुरु की इस लीग में दिल्ली पर पहली जीत है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ने टूर जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन दिल्ली की टीम 18.3 ओवर में 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में बेंगलुरु ने 19.3 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया। एलिस पेरिन ने नाबाद 35 रनों की पारी खेली, जबकि सोफी डिवाइन ने 32 रन और स्मृति मदाना ने 31 रन बनाई। इससे पहले दिल्ली के ओपनर शेफाली वर्मा ने 27 बॉल पर 44 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान मैग लेंग ने 23 रन का योगदान दिया। श्रेयंका पाटिल ने RCB की ओर से 4 विकेट झटके, जबकि सोफी मेलेनिक्स ने 3 विकेट अपने नाम की और आशा शोभना के हिस्से में 2 विकेट आई। सो दोस्तों इस प्रकार RCB के शानदार प्रदर्शन के कारण RCB ने WPL 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है और वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन जीत लिया है। आपको बता दें कि पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था और इस बार WPL सीजन 2 का खिताब यहाँ पर RCB ने जीत लिया है। सो दोस्तों RCB की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जोर से बता दीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।